अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वली प्रिंटर। और आज की इस नई वीडियो में हम HP 2400 सीरीज का ड्राइवर इंस्टॉल करना सीखेंगे और देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल वली प्रिंटर को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। व्यूअर्स, HP 2400 का ड्राइवर मेरे पास डाउनलोडेड है। ड्राइवर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। ये फोल्डर में दो तरह के ड्राइवर हैं, एक USB का ड्राइवर है जो विंडो 8 और 10 के लिए इस्तेमाल होगा, और ऊपर ये प्रिंटर के ड्राइवर हैं जो सभी विंडोज़ के लिए यूज़ होंगे, विंडो XP से लेकर विंडो 10 तक सपोर्टेड है। अब इसमें दो, एक 32-bit का ड्राइवर है, एक 64 का है। जो आपके पास विंडो है वो आपने चेक कर लेनी। इधर से माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये इधर सिस्टम टाइप के आगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताया होता है कि ये 64-bit है या 32-bit है। मेरे पास 64 है तो हम इसको 64 में, ये UPD PCL5 यानी कि यूनिवर्सल ड्राइवर PCL5 पर्सनैलिटी वाला हम ड्राइवर करेंगे। अनजिप करेंगे, अब ये वाला पोर्शन में आपने ये USB प्लग एंड प्ले मोड सेलेक्ट करना है। USB प्लग एंड प्ले मोड से ऐसा होता है कि जो भी आप भी इस पर्सनैलिटी को प्रिंटर मतलब इसका ड्राइवर है ना, तो वो खुद ब खुद ही उसको आप केबल लगाएंगे तो वो खुद ब खुद ही इसको रिकॉग्नाइज करके इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉल हो गया, इधर से हम इसको फिनिश कर देंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ 10 है तो उसके लिए मुझे इसकी USB का ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जस्ट हमने इसको डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो ये इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं इसकी केबल मैं लगाता हूँ, मैं इधर डिवाइसेस एंड प्रिंटर में चेक करता हूँ। ये देखें, ये HP यूनिवर्सल प्रिंटिंग PCL5 के नाम से इसका ड्राइवर हो गया। व्यूअर्स, ये यूनिवर्सल ड्राइवर PCL5 के नाम से भी आ सकता है और ये अपने प्रिंटर के नेम से भी ड्राइवर इसका हो सकता है, मतलब HP 2420 भी आ सकता है। आगे नीचे लिखा होगा HP 2420 UPD PCL5, ठीक है, और ये यूनिवर्सल ड्राइवर PCL5 के नेम से भी आ सकता है। आपने परेशान नहीं होने के, मतलब ये यूनिवर्सल आ रहा है तो ये हमारा प्रिंटर तो आया नहीं। अगर आपका ड्राइवर ऑटो इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप उसको मैनुअल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड अ प्रिंटर में जाएंगे, ये ब्लू सी लाइन पे क्लिक करेंगे, द प्रिंटर दैट वाज नॉट लिस्टेड। अब ये ऐड अ लोकल और नेटवर्क प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन ज़रा देखने वाला है क्योंकि अक्सर व्यू ऐसी गलती करते हैं कि वो इधर ही जस्ट नेक्स्ट कर देते हैं, और जब वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं तब वो प्रिंट की कमांड देते हैं तो प्रिंटर प्रिंट नहीं निकालता, और वो कहते हैं कि ड्राइवर तो हमारा हो गया लेकिन वो प्रिंटर प्रिंट क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि उन्होंने इधर से प्रिंटर की पोर्ट सेलेक्ट की नहीं होती। हमारे प्रिंटर की पोर्ट है .4 के नाम से आएगी, आपके पास HP प्रिंट डिवाइस लिखा होगा, ये .4 ये सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मैन्युफैक्चर के पोर्शन में HP सिलेक्ट करेंगे और दूसरे वाली साइड पे ये यूनिवर्सल प्रिंटिंग PCL5 नेक्स्ट करेंगे। इधर हम उसका प्रिंटर का नेम भी मेंशन कर सकते हैं, ये इधर से सेट एज डिफ़ॉल्ट पे चेक कर देना आपने, और प्रिंट टेस्ट पेज दे देना है, और प्रिंटर से एक टेस्ट, एक विंडोज़ टेस्ट पेज आएगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका ड्राइवर बिल्कुल ठीक से इंस्टॉल हो गया। इधर से आपने चेक कर लेना कि आपका प्रिंटर सेट एज डिफ़ॉल्ट है या नहीं है। गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।